अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का ये वीडियो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। खाना तो खैर बन चुका है, बस अब खाना हो रही है लगाने की तैयारी। सैलेड काट लिया है और आज खाने में मैंने दाल बनाई है, मूंग वाली दाल, कुटी लाल मिर्च की दाल। तो यहाँ पर सैलेड देखिए लाजमी मैं बच्चों को देती हूँ, ज़रूरी नहीं है दाल के साथ ही दूँ, और देना भी चाहिए। सैलेड अच्छा रहता है, कोई भी सब्ज़ी हो उसके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो बिना सैलेड के खाना तक नहीं खाते, उनके गले से खाना ही नहीं उतरता है। तो सैलेड में खीरा और प्याज कट कर लिए हैं, साथ में लहसुन और अदरक वाला मज़ेदार सा अचार है। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने से फ्री होने के बाद मैंने अपने जो कपड़े हैं वो नल पर ही छोड़ दिए थे निथनने के लिए। तो आज माशाल्लाह से हमारे यहाँ धूप भी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि पानी आएगा। तो सोचा मैंने ये कपड़े चलो रेलिंग पे ही डाल देते हैं। और कल शाम की बात मैं आप लोगों को बताऊं, कल शाम को खाने से फ्री होने के बाद फिर हम लोग घूमने निकलते ही हैं रात के वक्त, तो एकदम से बिजली कड़कड़ाने लगी और हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। वैसे कहते हैं कि हवाएं पानी को रोक लेती है, लेकिन बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई तो हम आधे रास्ते तक ही टहलने के लिए जा पाए। फिर ये लग रहा था कि कहीं तेज़ पानी रास्ते में ना आ जाए, तो बस जल्दी से हम लौट कर आ गए थे। लेकिन आज माशाल्लाह से मौसम हमारे यहाँ ठीक है और अब पानी आना भी नहीं चाहिए। दो तीन दिन पानी से हम लोग बहुत परेशान हो गए, पानी और ओले से। खाने के बाद चलो खरबूजा खा लिया जाए। और खरबूजे के जो बीज होते हैं और साथ में तरबूज के बीज, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हमारे मिट्ठू को तरबूज के बीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तरबूज के बीज हो या खरबूजे के मैं फेंकती नहीं हूँ। इन बीजों को अच्छे से धोकर छन्नी में अच्छे से निथार कर इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद इनके अंदर एक बीज और निकलता है। बड़े आराम से इन बीजों को खाओ तोड़ तोड़ कर, तो इतना मज़ा आता है इनको, बहुत ही अच्छा लगता है इन्हें खाना। और मेरे बचपन की आदत रही है, खरबूजे और तरबूज के बीज को मैं इसी तरीके से खाया करती थी, अभी भी खाती हूँ, ये आदत मेरी गई नहीं है। अच्छा, मुझे ज़रूर बताएगा कि किस किस को खरबूजे और तरबूज के बीज पसंद है। तो देखिए बहुत सारा सामान मैंने मंगवाया है, बहुत सारा तो नहीं कहूँगी, खैर मैं आधा सामान मैं रमज़ान के हिसाब से पहले मंगा चुकी हूँ कुछ सामान, और कुछ सामान ये देखिए अब आया है घर में। तो सारा सामान मैं निकाल कर रखती हूँ कि क्या क्या मैंने मंगवाया था। इनको लिस्ट थमा दी थी, उस लिस्ट में से ही ये सब सामान लेकर आए हैं। वैसे देखिए छोड़ा तो इन्होंने कुछ भी नहीं है, सब लेकर आए थे, सारा सामान मैंने चेक किया था। और रमज़ान का महीना बस अब कल से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को मेरी तरफ़ से रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको और हमको सभी को रोज़े रखने की तौफीक दे। अब जी इस महीने में देखिए हम ये हिसाब नहीं लगा सकते कि हमारे घर में राशन कितना खर्च होएगा, ऐसा कुछ भी हिसाब हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये महीना एक तरीके से बरकती महीना होता है। अब सामान तो लेकर आ गए हैं जितना जो मैंने लिखा था, अब खैर सामान अगर कम होता रहेगा, खर्च होता रहेगा, तो बाद में खैर और आ जाएगा। आज जी मुझे रमज़ान के हिसाब से कुछ तीन चार रेसिपी भी बनानी है, कोई ना कोई सी मैं बनाऊंगी, क्योंकि हर बार आप लोग देखते हैं रमज़ान ये पहले मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के टाइम देखिए हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि बहुत तेज़ी से टाइम गुजरता है। ज़्यादातर हम लोगों का टाइम इबादत में ही गुजर जाता है, इसलिए तो थोड़ी बहुत तैयारी हम लोगों को पहले भी कर लेनी चाहिए। आप लोगों ने भी कर ली होगी वैसे तो तैयारी रमज़ान के हिसाब से, क्या क्या हम लोग लेडीज़ ही करके रखते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये तैयारी भी हमें करनी है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो वो सब मैं खैर आज करूँगी, आज मुझे वक्त मिला है, क्योंकि आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही कुछ ना कुछ बना भी लेंगे रमज़ान के हिसाब से।
अभी जी दोपहर का टाइम है, किचन पूरे अच्छे से समेटने के बाद बस मैं अब दूसरी काम में लग गई हूँ। अभी से मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी है और इधर मैं बना रही हूँ जी समोसा मठरी। इसके अलावा दो तीन आइटम और भी, मतलब जितने मुझसे बन सकेंगे शाम तक, रात भी हो सकती है वैसे तो मुझे बनाते हुए, तो उतने मैं सब बनाऊँगी। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं अली और रिदा, दोनों भी माशाल्लाह से बराबर से मेरी मदद करेंगे। हर बार वो मेरी मदद करते हैं, आप लोग खुद देखते हो। एक कॉमेंट बार बार आ रहा है कि परवीन बाजी ने वेट लॉस कैसे किया, आप बताइएगा। तो इस टॉपिक पर वैसे मेरे हस्बैंड आप लोगों से बात कर चुके हैं, उन्होंने बताया जो वो जानते थे, जितना जानते थे उतना आप लोगों को बता दिया। अब एक बात ज़रूरी है कि जो इंसान अपना वेट लॉस करता है वही इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि वेट लॉस करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये हर कोई नहीं बता सकता इस बात को। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि परवीन बाजी से जब आप लोगों की बात होगी तो परवीन बाजी ज़रूर इस बात को क्लियर करेंगी, आप लोगों के सामने आकर बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने वेट लॉस किया है। और हाँ, मैं अपने वेट के बारे में ज़रूर आप लोगों को बता सकती हूँ। अभी जो मेरा वेट है वो 58 चल रहा था, तो 58 जो मेरा वेट है इस वेट को लेकर मैं परेशान हो गई थी। और देखिए माशाल्लाह से मैंने 2 किलो वेट अभी कुछ ही दिनों में अपना कम किया है और अब मैं 56 पर आ गई हूँ, लेकिन इस वेट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, वेट कम ही होना चाहिए। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं 56 कम है, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल ज़्यादा कम मत करो, लेकिन मैं 54 या 53 पर आकर रहूँगी, बस मुझे यही वेट चाहिए। मैं इनसे कह रही हूँ कि ज़्यादा वेट बढ़ जाता है ना तो फिर बीमारियाँ भी इंसान के बॉडी में घर कर लेती हैं, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 53 या 54 के आसपास वेट चाहिए। देखना इंशाल्लाह रमज़ान के इस महीने में मैं अपना वेट जो है वो 53 या 54 करके रहूँगी। और ये है कि इन्हें लग रहा है कि नहीं इतना वेट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है तुम्हारा वेट जितना भी है, अब 56 पर तो आ गई हो और क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे यही चाहिए कि 53 या 54 होना चाहिए मेरा वेट। चलिए तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और बच्चों ने मेरी बहुत मदद करवाई। यहाँ पर हमारी रिदा समोसा मठरी फ्राई कर रही है और हमारे अली ने काजू काट कर तैयार किए थे। वैसे आज मेरा जो ज़्यादातर दिन है वो पूरा किचन में ही गुजरा, पूरा टाइम मेरा किचन में ही गुजरा। और देखिए सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद बस खाने में लग गई थी मैं, और खाने के बाद ये सब सामान बनाने में लग गई थी कि चलो ये बना लेते हैं, और अभी वापस मुझे खाने में लगना है, मतलब कि रात के खाने में लगना है। ये सब करते करते शाम हो ही गई है और आज रात के खाने में माशाल्लाह मैं बनाने जा रही हूँ ये सहजने की फली। सहजने की फली देखिए हर जगह तो चलती नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान में उधर तो ये फली चलती नहीं है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके साइड ये फली चलती है या नहीं। ये इस तरीके की लंबी लंबी फली होती है और ख़ास तौर से ये सांवर में डाली जाती हैं। अब वैसे मैंने 12 में कई बार सांवर बनाया है लेकिन ये फली मैंने नहीं डाली है, तो लोगों के कमेंट आए थे कि सांवर में सहजने की फली डालते हैं आपने नहीं डाली, तो जी उधर मिलती ही नहीं है, आती ही नहीं है, तो मैं कैसे डालूँगी सहजने की फली। खैर मैंने बचपन में बहुत खाई है, मेरे घर में मेरे मायके में मेरी मम्मी बहुत बनाया करती थी सहजने की फली और टेस्टी भी बहुत लगती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये देखिए सारी फलियां मैंने छील ली हैं और काट लिए हैं और इस तरीके के ये इतने बड़े बड़े पीस इन फलियों के होते हैं, छोटे पीस नहीं होते। और मेरी मम्मी इन्हें आलू के साथ बनाती थी, मतलब बच्चों के हिसाब से एक दो आलू इसमें डाल देती थी, तो काफ़ी अच्छी और हेल्दी फली रहती है ये वाली। और बस अब मैं मसाला भून के जैसे कि हम इन्हें बनाते हैं ठीक उसी तरीके से मैं बनाऊंगी इन्हें। अब ये 12 में नहीं चलती ये फली, तो मेरे जो बच्चे हैं इन फली को फर्स्ट बार में ही खाएंगे। ये MP में इधर तो बहुत चलती हैं, बहुत जगह जगह दिखाई भी दे रही हैं कि मम्मी ये लकड़ी जैसी फली कौन सी है। बच्चों ने देखा तो कहा मम्मी लकड़ी जैसी फली कौन सी है, मैंने कहा ये फली खाने में बहुत अच्छी लगती है, नानी तो बहुत बनाया करती थी और हम लोग इन्हें बहुत खाया करते थे। तो बस अब मैंने मसाला भूनने रख दिया है और इनको बनाएंगे तो रात के खाने में। बस आज का रात का खाना हमारा यही है, फली आलू की सब्ज़ी। तो जी ये है मेरी रमज़ान से पहले की कुछ तैयारी। मैंने मसाला काजू बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स नमकीन बनाई है, समोसा मठरी बनाई है
और इसके अलावा सूजी मैदा के मीठे बिस्किट भी बनाए हैं। चिप्स पापड़ मैं इस बार नहीं बना पाई क्योंकि वो छत पर सूखते हैं और हम लोग छत पर नहीं जा सकते, छत पर जाना अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो बस इसी वजह से। और अपना घर होता तो देखिए, अपने घर पर तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहती किसी तरीके की, तो इस वजह से चिप्स पापड़ मैंने रेडीमेड मंगाए हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग, और जिन जिन लोगों ने दुआएं कराई हैं उन सबके नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी कि आपकी जो भी परेशानियां, अल्लाह ताला उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।